धरतीबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। जोहार, जय झारखंड। अभी हम लोग पांच प्रगणा क्षेत्र सिल्ली विधानसभा के सिल्ली प्रखंड के शिव मंदिर प्रांगण में बैठक किए, हाँ सोनातू प्रखंड में बैठक किए। और यह बैठक आगामी 1 सितंबर 2024 को जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू खूंटी से स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा करके तय करके फिर विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण करना कि उस दिन का कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने को लेकर के। और हम लोग ने पूरे सोनातू प्रखंड के प्रत्येक गांव से प्रत्येक पंचायत से सभी माताएं आदरणीय बुजुर्गे बहने नौजवान साथी सब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। और पूर्व ही हम बता चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि हम लोग का जो न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा का जो उद्देश्य है यह कोई नई मांग और नई आंदोलन नहीं है। यह पहले से जो हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, जो हम लोग का अभी तक सफल नहीं हुआ है, उसी आंदोलन को उसी संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। चूंकि हम लोग का आंदोलन अभी तक सफल नहीं हुआ है, जबकि हम लोग कई बार मुख्यमंत्री आवास गिराव, कई बार विधानसभा घेराव, राजभवन घेराव, जेपीएससी, जेएसएससी, जेएसएलपीएस, जेईपीसी कार्यालयों का महाघेराव के अलावा 24 जिला में धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस, विधायक सांसद का लिखित समर्थन अभियान, हाट बाजार में ढोल नगड़ा घुमा करके सकुआ पत्ता घुमाने का अभियान, ऐसे तमाम आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाए, लेकिन हम लोग का आंदोलन का परिणाम अभी तक नहीं आया है। अभी भी 60-40 के तहत झारखंड के नौकरियों को बाहरियों के हाथों बेचा जा रहा है। अभी भी ब्लॉक जाए तो भ्रष्टाचार चरम पर है, अनुबंध कर्मियों का शोषण हो रहा है, किसान को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, मजदूरों का जो है कि उचित दाम नहीं मिल रहा है। झारखंडी का सपना अभी भी अधूरा है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी प्रमुख मांग पूरा नहीं हुआ है। जबकि इससे पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ा है, हर आंदोलन का, हर संघर्ष का परिणाम आया है। जैसे कि हम बार बार कहते आए हैं, फिर कह रहे हैं कि 1831-32 का जो कोल विद्रोह हुआ था, उसका परिणाम आया था कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप विल्केलसन रूल बना। 1834-35 का संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह हुआ, उसका परिणाम आया था कि उसके परिणाम से एसपीटी एक्ट कानून बना। 1895 का उलगुलान बिरसा मुंडा का जो है कि विद्रोह, वो परिणाम आया, आंदोलन सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट कानून बना। उसके बाद गुरुजी निर्मल महतो या विनोद बिहारी महतो, ऐसे तमाम आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया, उसका परिणाम आया कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अबुआ दिसुम अबुआ राज्य स्थापित करने के लिए झारखंड का गठन हुआ। आज 24 साल के दौरान में अभी भी हमारे शहीदों का सपना अधूरा है, आंदोलनकारियों के अरमान अधूरा है, अभी भी हम लोग के राज्य गठन के उद्देश्य अधूरा है। और इस उद्देश्य को, इस सपना को, इस अरमान को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस दरमियान में हम लोग कभी भी, हम लोग किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है, हर मुसीबत का सामना किया है। आंदोलन के दौरान में पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि झारखंड का 606 थाना में स्टूडेंट लोग का FIR हुआ है बंदी के दौरान। कई बार हम लोग का पुलिस का दमनकारी नीति का सामना सामने से किया है, प्रत्यक्ष रूप से कितना बार लाठी डंडा खाए, कई बार हॉस्पिटल हुए, जेल तक का सफर किए हैं, सब आंदोलन कर दिए, डिजिटली आंदोलन, फिजिकली आंदोलन, ट्विटर कैंपेन, सब कुछ हो गया। तब फिर हम लोग ने सर्वसहमति से सामूहिक निर्णय लेते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। और हम तमाम झारखंड प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय बुद्धिजीवी माताएं बहने नौजवान साथी सभी से हम निवेदन करते हैं कि यह माटी का लड़ाई है,
या पार्टी और झंडा का लड़ाई नहीं है। इसलिए जिस प्रकार इससे पहले हमारे पूर्वजों का लड़ाई की बात हो या वर्तमान हम लोग के द्वारा किया गया आंदोलन की बात हो, समस्त झारखंडियों ने अपने झंडा और पार्टी से ऊपर उठ करके माटी का लड़ाई को समर्थन देते हुए ऐतिहासिक सफल बनाया है। उसी प्रकार सभी कोई सहयोग कीजिए, एक चट्टान एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि जिस दिन झारखंडी आदिवासी मूलवासी हम लोग अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो जाएंगे, तो एकदम निश्चित है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। खतिया अनाधारित जो हम लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, सारे चीज हम लोग का मांग हो जाएगा। जिस दिन एकजुट होंगे झारखंडियों के हाथ सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं, सत्ता किसी का भी रहे, हम लोग का झारखंडी हित में नीति कानून बनेगा। इसलिए आगामी 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को सभी कोई अलग अलग क्षेत्र से उलिहातू 11 बजे पहुंचेंगे, और हम लोग आज फिर दोहरा रहे हैं कि सोनाहातू प्रखंड से 8 बजे हम लोग प्रत्येक पंचायत से मिनिमम 2 गाड़ी जो से ग्रामीण लोग निकलेंगे, और उसके अधिक और भी गाड़ी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 गाड़ी तो प्रत्येक पंचायत निर्णय हो चुका है। और सभी को पारंपरिक हथियार, पारंपरिक वेशभूषा से हम लोग जाएंगे उस दिन, और हम लोग का उस दिन का जो आगाज होगा उलगुलान होगा या राज्य स्तरीय महा आंदोलन का एक आगाज होगा। और यह आंदोलन जब तक हम लोग का अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग का सफल नहीं होगा आंदोलन, तब तक हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड।